अभी तक तुम सोच रहे हो इतनी देर से कुछ बोला क्यों नहीं, बट कुछ नहीं, वो थोड़ी नींद आके खोलने में टाइम लग जाता है। बाकी अभी इट्स ऑलमोस्ट 9, लेट्स गो टू द जिम, फिर दिन की शुरुआत करते हैं। आलस आ रहा है बट सर मैं तो दो मसल ग्रुप को एक साथ ट्रेन करता हूँ, सो टुडे इज अगेन चेस्ट डे एंड ट्राइसेप्स डे। पिछली बार से ही अभी दर्द हो रहे हैं बट या करना पड़ेगा। तो इट्स 9:40 एंड एक्सरसाइज तो डन। अब एप्पल वॉच मैंने धोखा दे दिया, तो उसमें बेकार बात मेरे को उसकी ये लगती है इसकी बैटरी बहुत खराब है। अगर एक दिन थोड़ा कम चार्ज करो तो अगले दिन कोई दिन चलेगी नहीं। एंड पहले मैंने चेक नहीं किया आने से पहले, बीच में वर्कआउट मैंने ऑन किया तो मैंने ऑफ हो गई। तो लेट्स गो ड्रिंक प्रोटीन शेक एंड देन थोड़ा और काम करना है। ज़्यादा मतलब 2 दिन मैक्स इन अ वीक, और कभी कभी तो 2 दिन भी नहीं, 1 दिन, क्योंकि यार लंच की थोड़ी बीटी होती है, फिर ऑफिस में जाके जो तुम्हें मन करे खा सकते हो एंड घर पे फिर वही सोचो क्या मंगाना है क्या करना है, क्योंकि खुद बनाने की तो हिम्मत नहीं होती है। तो आज मैंने वर्क फ्रॉम होम इसलिए करते हैं क्योंकि आज हमारा इंडिया का मैच है, तो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सेमीफाइनल्स, तो देखेंगे काम करते करते टीवी का फुल उपयोग करते हैं। आई नो काफ़ी दिन से गोल्डन टेन पे वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, द रीज़न इज बिकॉज मैं बीच में घर चला गया था एंड घर जाने के बाद ना फिर से वो सेटअप रूटीन बनाने में डिफिकल्टी होती है एंड नाउ आई एम बैक, सो वापस सेटल होने में फिर डिफिकल्टी होती है कि जो तुम्हारा रूटीन है वो वापस सब सेट हो जाए। उसके बाद यू कैन स्टार्ट एडिंग थिंग्स टू योर रूटीन, धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ। सो वी आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो टुडे, आज अपने पास टाइम भी है, आज सही टाइम पर उठ गए हैं, जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो सही हो चुका है एंड यू कैन जस्ट रिकॉर्ड अ वीडियो। ठीक है, जनरली टेक्स लाइक 30 to 40 minutes टू रिकॉर्ड अ वीडियो, क्योंकि पहले तो मैं थोड़ा याद करना होता है कि अच्छा ये सॉल्यूशन कैसे है, सारे सॉल्यूशंस देखो तुम, बेस्ट सॉल्यूशन फिर तुम्हें उसको समझना है कैसे समझाना है वो सोचना होता है। एज द नेम सजेस्ट कोड इन 10 है, तो 10 मिनट में उसको क्रैम्प अप भी करना है चीज़ों को, तो इसलिए उसमें टाइम लग जाता है। सो अभी जब तक गीजर में पानी गर्म हो रहा है हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसका सॉल्यूशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं, नहाने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और फिर अपना काम स्टार्ट कर देंगे। सो हमने क्वेश्चन समझ लिया है, ठीक है, हमने खुद कोड करके देख लिया है एंड एज यू कैन सी हमने सबमिट भी करके देख लिया है, सो आवर सॉल्यूशन इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। नहाते हैं फिर इसको रिकॉर्ड कर लेंगे जल्दी से। सर आई रिसेंटली फाउंड आउट अबाउट दिस अमेजिंग ऐप विच इज नेम एज डेमो क्रिएटर, ये तुम्हारा वंडरशेयर का एक प्रोडक्ट है। इसमें काफ़ी लाइक अच्छे फीचर्स हैं जिसको तुम यूज़ करके डेमोज क्रिएट कर सकते हो। तुम इसको यूज़ करके अपने इंस्टाग्राम के लिए एज वेल एज यूट्यूब के लिए काफ़ी सारे वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, तो तुम्हें अगर लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप कर सकते हो, पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट कर सकते हो एंड इफ़ यू आर एन एडुकेटर लाइक मी तो तुम्हें इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिसको यूज़ करके तुम काफ़ी अच्छे से लोगों को पढ़ा सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ पढ़ाते पढ़ाते कुछ समझाना है सो यू गेट अ वाइट बोर्ड टाइप ऑफ अ थिंग, तुम यहाँ पे जो जो तुम्हें लिख के समझाना है कि जैसे मेरे को इंग्लिश बना के दिखानी है कि यार ऐसे होती है, तो तुम्हें एक वाइट बोर्ड टाइप का मिल जाएगा, जैसे तुम वाइट बोर्ड पे लिखते हो वैसे तुम यहाँ पे लिख सकते हो। यू कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं एंड यू कैन जस्ट इरेज दैट व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट एंड तुम अपने वाइट बोर्ड को हटा दोगे तो यू आर बैक टू द मेन स्क्रीन। एज यू कैन सी जो अपना था प्रोजेक्ट वहाँ पे सेव हो चुका है। इसके अलावा देर आर मल्टीपल अदर थिंग्स, यू कैन द एडिट योर वीडियोज़ हेयर ओनली एंड यहाँ पे एक ऑल इन वन रिकॉर्डर भी है। ऑल इन वन रिकॉर्डर से क्या होता है, तुम अपने फेस को कहीं पे भी लगा के अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फीचर विच कैन बी यूज, जैसे तुम्हें वो सर्कल वर्कल करना है अपने उस फेस को तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके अलावा तुम अपना बैकग्राउंड वगैरह भी रिमूव कर सकते हो, तो काफ़ी सही चीज़ है ये एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड इसको यूज़ करके भी यू कैन मेक डेमोज ईजिली। प्रोडक्ट इज क्वाइट लाइक इंट्यूटिव, यू कैन ईजिली यूज इट, तो द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट्स गेट बैक टू इट। सो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द बोर्ड डिजाइंस, सो आई स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग द UI, सो आई विल बी कंटिन्यूइंग टू डू दैट। ठीक है, तो काम स्टार्ट करते हैं। अब अभी मेरे को एक नया फीचर मिला हुआ है जिस पर मेरे को काम स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ना उसमें ये दिक्कत है कि कुछ एक्स क्रॉस एक्स की मैट्रिक्स है जिसमें आइकन्स और टेक्स्ट दोनों हैं, तो उसमें एक्सेसिबिलिटी का भी साथ साथ ध्यान रखना है। अगर 7 अगर तुम्हारा एक्सेसिबिलिटी बग आता है तो यू कैन नॉट शिप इट टू लाइक पब्लिक, एंड जब माइक्रोसॉफ्ट या किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो तो तुम्हें हमेशा एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंट रहना
पड़ता है, बिकॉज तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो एंटरप्राइजेस भी यूज कर रही होती हैं। सो एग्जैक्टली एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, तुमने कभी कई बार फोन में देखा होगा कि वॉइस ओवर स्टार्ट हो गया होगा तुमसे गलती से, या फिर इफ यू लाइक रियली नीड वॉइस ओवर तुम्हें थोड़ी लाइक तुम देख नहीं पाते ढंग से, एंड जैसे पेरेंट्स होते हैं उनको लार्ज फॉन्ट में ही देखनी पड़ती है चीज़ें, ठीक है, क्योंकि उनकी आईसाइट थोड़ी वीक हो जाती है, सो दे आर नॉट एबल टू सी इट, ठीक है। तो वैसे ही उन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए वी नीड टू बी एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंट कि लार्ज टेक्स्ट में सारी चीज़ें सही चल रही चल रही, फट तो नहीं रहा, वॉइस ओवर जो है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो भी तुम अनाउंस कर रहे हो सही से अनाउंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसके अलावा कीबोर्ड कनेक्टेड है तो सही फोकस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आई डोंट वांट कि एंड में बगाए, तो पहले सबसे पहले वो वही चीज़ सॉर्ट करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको कोड करते हैं ना, काम स्टार्ट करते हैं। 12:30 अपनी स्क्रम होगी, स्क्रम से पहले हम ये जितना हो पाएगा उतना कर देंगे, ये तो फिगर आउट कर ही लूँगा कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, फिर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। यार थोड़ा बहुत काम किया है अभी, इट्स 1:30 तो मैच का टाइम हो चुका है, एंड लंच ऑर्डर किया था सैलेड, तो लंच भी आने वाला है, तो जल्दी से टीवी भी ऑन कर लेते हैं, बेड पे बैठ के काम करते हैं आराम से टीवी देखते देखते, एंड फिर लंच करते हैं, थोड़ी देर ब्रेक लेंगे, तो चलो मैच तो लगाते हैं। मैच चलाया और एक विकेट पहले ही आउट हो रखे भाई। चलो अभी तो बैठे हैं, कोहली रोहित दोनों ही खेल रहे हैं, तो सर सैलेड ऑर्डर किया, एक नई जगह से ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स सी कैसा होता है, दिखने में तो ठीक लग रहा है, ग्रिल्ड चिकन के साथ किया था, आई होप खाने में भी ठीक है। ये तो यार बहुत थोड़ा था, इससे तो पेट भरता दिख नहीं रहा, मेरे को डोसा मंगाना पड़ेगा, एक वो भी साथ साथ ऑर्डर कर देता हूँ, जल्दी आ जाएगा। सैलेड वैलेड खाने से तो पेट नहीं भरा, आ जाते हैं इस पर, बाकी मुश्किल तो लग रहा है सीन, बट 5 ओवर में कितने बना देंगे, 60, एंड इंडिया लॉस द मैच, ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था, क्या गलती करती भाई हमने, बट चलो कोई नहीं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, काम वाम करते हैं, ये तो हार जीत तो होती रहती है। हैदराबाद में थोड़ा पॉल्यूशन सा हो गया आजकल, जैसे पहले यहाँ पे मस्त सनसेट दिखता था, अब थोड़ी विजिबिलिटी भी कम सी हो गई है। बेसिक पार्ट ऑफ कोडिंग इज डन, हम अपने व्यू कंट्रोलर को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अब दूसरा जो मुश्किल वाला काम था वो करना शुरू करना है, तो करते हैं। उसके अलावा यार 2 पार्सल आए हुए हैं, उनको अनबॉक्स कर लेते हैं। यार कंटेंट क्रिएट करते करते ना एक बड़ी मेरे को प्रॉब्लम आती है, मतलब शायद इतना फर्क पड़ता नहीं है उससे, बट स्टिल भी ऐसा लगता है कि अब तुम एक बार ही लाइक कपड़े पहन लेते हो, तुमने इंस्टाग्राम पे रील भी डाल दी, यूट्यूब पे वीडियो भी डाल दी, तुम बाहर भी पहन के जा चुके हो, तो 3-4 बार के बाद ऐसा लगता है अरे तो बार बार वही पहन रहा है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मंगाने पड़ जाते हैं। तो आई गॉट अनदर शर्ट, 2 और है अभी, तो वो भी आज डिलीवर नहीं हुई, आज एक ही शर्ट हुई है। और फिर एक और दिक्कत होती है, जब तुम पार्टी वार्टी के लिए तुम्हें जाना होता है ना, तो भी समझ नहीं आता कि कौन क्या क्या पहननी चाहिए, मेरे को डिफरेंस ही समझ नहीं आता है कि पार्टी वेयर शर्ट में और एक उसमें ज़्यादा डिफरेंस क्या होता है, दोनों सेम ही लगते हैं। Spotify के इवेंट में मेरे को लग रहा था यार अंडर ड्रेस थी, आई थिंक दिस इज अ पार्टी वेयर शर्ट, थोड़ी सी वॉन्टेड टू गेट दीज काफी टाइम से, सोचा अब ले ही लेते हैं, चल से बूट्स एक बार सबको जीन्स के साथ पहन के देखते हैं, शर्ट को भी और इसको भी, आइडिया लगता है। तो वैसे शो के लिए रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ बजाना, पर थोड़ा टाइम लगता है। सीख रहा हूँ, तो मैंने अभी सी ए एफ जी सीखी है, तो बस वही जी में शिफ्ट करने में टाइम लग जाता है, एक बार जी में शिफ्ट करने में टाइम कम लगे, फिर हम गाने वाने बजा सकते हैं, बिकॉज यूकेलेले में बस ये 4 कॉर्ड्स मोस्टली यूज हो रही होती है हर जगह, उसके बाद फिर स्ट्रमिंग थोड़ी सीखनी पड़ेगी, अभी मैं कर देता हूँ ऊपर नीचे, बट वही पैटर्न्स याद रखना, साथ में कॉर्ड्स याद रखना, फिर साथ में गाना गाना, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। 1 स्टेप एट अ टाइम करते हैं, धीरे धीरे चलते चलते कर लेंगे। तो यार अभी 2 चीज़ें और मंगाई हैं, 2 टॉयज़, ये अपने सेटअप को इम्प्रूव करने के लिए, अब तुम देखोगे ये व्लॉग्स के लिए बहुत सही चीज़ है, दिस इज़ अ लाइट जिससे अपनी इंटेंसिटी वगैरह बढ़ा सकता हूँ, जैसे तुम देखोगे 0.5x में भी ये बहुत सही हो गई, एंड दिस कैन बी अटैच टू द फोन इट सेल्फ, तो ऐसे फ़ोन पर अटैच करके
मस्त इसको यूज़ कर सकते हैं लाइट की तरह। अब लैपटॉप पे लगा के जब कोड इंटेन की वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स इजी टू कैरी एंड यूएसबी टाइप सी से चार्ज हो जाती है। मस्त एकदम मस्त जुगाड़ मिल गया है। एंड दूसरी एक और मंगाई है अभी, ये अभी जब मैं एक नूर से मिला था, एक नूर ने सजेस्ट करी थी एंड आई थिंक थरून ऑल्सो यूज द सेम। सो दिस इज अ लाइट जो आरजीबी है, इसको सेटअप के लिए यूज़ कर सकते हैं मस्त अपना। एंड तुम इससे अपनी पूरी चेंज कर सकते हो, जो तुम्हें कलर चाहिए इसको बैकग्राउंड में लगा सकते हैं मस्त, और इसका दो जैसे कलर चेंज करना कर सकते हो, तो काफ़ी सही है ये। बस इसको वाइट करना है तो वाइट भी कर सकते हो, उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करनी है कर सकते हो। एंड ईजी मतलब काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है, लाइक आराम से मैं इसको बैग में डाल के कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो अपने पास अभी मस्त मस्त दो चीज़ें आ गई हैं, इसको कैमरा पर अटैच कर सकते हैं आराम से एंड की लाइट मतलब इसको साइड वाली लाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो सेटअप अपग्रेड एंड ज़्यादा महंगी नहीं थी मतलब कंपेरेटिवली। ऑल्सो इट हैज़ अ यूएसबी आउट, इससे चार्ज वार्ज भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब ये एक पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हो इसको और एक लाइट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी सही चीज़ मिल गई है। मेरे को ऐसा कुछ चाहिए था जो पोर्टेबल हो काफ़ी। अभी दोनों पोर्टेबल लाइट्स हो गई हैं, तो ब्लॉग्स में जो रात को शॉर्ट्स देते थे तो उसमें काफ़ी अंधेरा सा हो जाता था, वो अंधेरा नहीं हुआ करेगा। प्लस हर बार घर जाते टाइम वो बड़ी वाली लाइट को बैग में डाल के ले जाना पड़ेगा, इन दोनों से काम चल जाएगा। चलो अब टाइम हो गया है 7:30, काम हम काफ़ी कर लिया है, अब चलते हैं बैडमिंटन खेलना और डिनर करना है। डिनर का ये सीन रहता है यार, मेरे फ्लैट में जब तुमने देखा हो तुम्हें सुबह से शाम तक कोई मिला नहीं, तो मोस्टली घर रहते हैं, कोई होता नहीं है, तो कुक वुक का सीन नहीं हो पाया। सो मैं दिशा के घर चला जाता हूँ, शी लिव्स लाइक पास में ही एंड शी इज़ माई टीममेट, अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता है तो उनके साथ ही आए कंट्री एंड उनके वाले कुक से ही अपने लिए डिनर बनवाने लग गया हूँ। सही है, और वहाँ पे जाके बैडमिंटन खेल के फिर रात को आए। सो प्लेड बैडमिंटन, हैड डिनर, मस्त पेट भर गया है, ठीक है। अब काफ़ी थक गया हूँ, आज सुबह 8 बजे उठ गए थे एंड इट हैज़ बीन अ वेरी टायरिंग डे। काफ़ी सारा काम कंप्लीट किया, काफ़ी सारी चीज़ें करी, अब इट्स टाइम टू गो बैक टू स्लीप। थोड़ी देर टीवी देखेंगे फिर हम चलेंगे सोने। एंड जस्ट अ फ्यू थिंग्स फॉर यू गाइज, ठीक है। ये सब देख के कभी ये मत होना कि यार ये तो इतना काम कर लेता है, हमसे तो काम इतना नहीं कर पाते हैं। जब तुम वीडियो बना रहे होते हो तुम ट्राई करते हो कि तो तुम मैक्सिमम जितना आउटपुट ला सकते हो उतना लाओ। नॉट ऑल डेज आर लाइक दिस, कभी कभी बैडमिंटन नहीं खेलने का मन करता, कभी कभी जिम जाने का मन नहीं करता, कभी मन करता यार सोते रहो बस, ठीक है। कभी कभी जो तुम सोचते हो खाने का वो नहीं खाते, कुछ और खा लेते हो। कभी कभी वीडियोस नहीं रिकॉर्ड हो पाती हैं, ठीक है। कभी कभी काम पूरे दिन नहीं कर पाते हो। सो इट्स ऑलवेज प्लस माइनस कुछ चीज़ें। आज इट वॉज मोस्टली एवरीथिंग आई वॉज एबल टू डू, क्योंकि चीज़ें अच्छे से प्लान आउट कर ली थी। सो वन थिंग इज दैट कि अगर तुम्हें सारी चीज़ें करनी है तो यू शुड प्लान आउट थिंग्स प्रॉपरली। अगर तुम प्लान आउट करते हो तो चीज़ें फिर भी काफ़ी इफेक्टिवली हो जाती हैं। एंड या इतना ही तैयार आज वाली वीडियो में, आई होप मैं वीडियो पसंद आई होगी। दिस वॉज अ डे इन द लाइफ वेन यू आर एट होम एंड काम भी कर रहे होते हो साथ साथ। इफ़ यू लाइक इट तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।